देख सकते हो, जैसे देखो खोलता हुआ तेल है ये, अगर हम हाथ डालें तो हमारा हाथ जल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूँ आपके साथ मनीष गौड़। आपने पकौड़ी तो खाई होगी, बेसिकली आपने खाई होगी दाल की, बेसन की और भी तरह तरह की, लेकिन आज हम ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर पकौड़ी बनाई जाती है और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे जो पकौड़ी निकालते भाई साहब वो अपने हाथ से खोलते हुए तेल से पकौड़ी निकालते हैं और यहाँ पर उनकी दुकान है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं इनकी पकौड़ी खाने के लिए। गर्मी का मौसम हो चुका है, गर्मी आ चुकी है, लेकिन इनकी जो डिमांड है पकौड़ी की अभी भी वैसी ही। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या राज है जो आप खोलते हुए तेल में हाथ डालकर पकौड़ी निकालते हो। तो आइए बात करते हैं इनके साथ। क्या नाम है भैया आपका? सुरेश लोधा। सुरेश लोधा। अच्छा, तो ये आप खोलते हुए तेल में हाथ डाल के पकौड़ी निकालते हो, क्या राज है इसका? बिल्कुल, आपको लाइव दिखाते हैं। अच्छा, कितने सालों पुरानी दुकान है आपकी यहाँ पे? हमारे दादाजी पिताजी अब हम संभाल रहे, पहले हम ठेले पे लगाया करते थे, अब हमने दुकान कर ली है। अच्छा, और दुकान हमारे दुकान वाली खड़े हुए मोहम्मद दिशान कुरैशी, एडवोकेट राजस्थान उच्च न्यायालय। अच्छा, इन्हों की बदौलत है आज जी हमारे दुकान मालिक है। अच्छा, आपकी दुकान मालिक है और यहाँ पे आप किराए पे चलाते हो अपनी दुकान? किराए पे हमारी दुकान। कितने सालों से हो गए यहाँ पे दुकान पे? दुकान पे हो गया आज से 6-7 साल हो गया हमारे को, पहले हम ठेले पे लगाया करते थे। तो आपके तो यहाँ पे दूर दूर से आते होंगे लोग खाने के लिए, तो हाथ जब तेल में डालते हो उबलते हुए तेल में तो हाथ जलता नहीं आपका? जलता नहीं हमारा। आप ही निकालते हो या कोई और फैमिली में और निकालता है? कोई छोटा भाई है, वो भी ऐसे करते हैं? बिल्कुल यार, अगर हम डालें हमारा हाथ तो जल जाए। अच्छा हाँ, ये उसके बारे में बताओ हमें कुछ। छोले की दाल होती है, इसमें मेथी पालक धनिया पुदीना लहसुन अदरक गरम मसाले वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद में मसाला तैयार होता है। और किस हिसाब से ये पकौड़ी? 240 रुपये किलो है, मसाला 160 रुपये किलो है। और भी पकौड़ी है या और भी कुछ यहाँ पे आपके यहाँ? खाली पकौड़ी है, मटका कुल्फी है, लस्सी है। मटका कुल्फी और लस्सी जी। अच्छा, तो यहाँ पे फॉरेनर भी आते होंगे आपके? फॉरेनर वगैरह टूरिस्ट वगैरह सब आते हैं। तो अभी गर्मी का मौसम आ गया है, क्या आपकी जो जो बिकती है पकौड़ी वो उसमें कमी हुई है? थोड़ा सा कमी हो जाती है लेकिन चलता है काम। शाम को सुबह? शाम को। शाम को ज़्यादा चलती है ना। तो देख सकते हो कि अभी कुछ ही देर में ये आपको हाथ डालकर ये पकौड़ी जो उबल रही है अभी तेल में, खोलता हुआ तेल है, इसमें हाथ डालते हुए पकौड़ी निकालते हुए दिखाई देख सकते हो। जैसे देखो खोलता हुआ तेल है ये, अगर हम हाथ डालें तो हमारा हाथ जल जाएगा, लेकिन ये बड़ी आसानी के साथ खोलते हुए तेल में हाथ डाल रहे हैं और अभी पकौड़ी भी निकाल के दिखाएंगे हमें। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, आप कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से ही हूँ। पकौड़ी खरीदने के लिए? हाँ, पकौड़ी लेने आया था, ले ली। अच्छा, टेस्ट वेस्ट कैसा है? बढ़िया पकौड़ी मिलती है। और कितने सालों से आप आते हो यहाँ पे? मैं तो आते वक्त जब से दुकान खुली से लेते हैं, मेरे पिताजी भी लेते हैं, मैं भी लेता आया हूँ। काफ़ी सालों से दुकान है, टेस्ट ही होती होगी ना? बढ़िया टेस्ट। अच्छा, क्या मानना है खोलते हुए तेल में हाथ डाल के निकाल रहे हैं? ये भी कला है। कला है और क्या। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि कला है यहाँ पर, जो यहाँ जो दुकान के मालिक हैं इनसे भी बातचीत करते हैं। ये कॉन्फिडेंस है कि ये आज यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट जिशान कुरैशी। क्या कहना है आपके यहाँ पे जो किराएदार है वो अपनी शॉप चला रहे और खोलते हुए तेल में हाथ डाल के पकौड़ी निकाल रहे और लोग यहाँ पे आते हैं? ये इनकी 3 जनरेशन से काम चला रहे हैं और इनकी फैमिली मेंबर में 5-6 लोग हैं, पर ये जो कला है इन 2 लोगों में आई है, 5-6 मेंबर हैं बाकी तो, लेकिन ये 2 लोग ही करते हैं। इनमें और इनके छोटे भाई में? छोटा भाई है, वो करता है और ये करता है। काफ़ी अब ये फैमिली बिजनेस है बेसिकली, तो स्टार्ट जब इनके किया था इनके दादाजी ने किया था, ठेले से स्टार्ट किया था। अच्छा। और वो फिर इवेंचुअली हमारी दुकान किराए पे इन्होंने ली और अब तो ये आप लोगों की वजह से इतना वायरल हो गया है कि मतलब ये तो सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं आजकल लोग इसके, कई यूट्यूबर्स आते हैं, वीडियो बनाते हैं और ये तो हम भी शौक रह जाते हैं जब ये हाथ डालता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा अभी तेल का, अगर आप उसमें हाथ डालेंगे तो फफोले हो जाएंगे हाथ में, पर इतने कॉन्फिडेंस से हाथ डाल लेता है और काफ़ी देर तक हाथ रखता है, तो ये तो एक चमत्कार से कम नहीं मेरे साथ। हम भी अगर घर पे देखते कोई जब सब्जी का छौंका लगाते हैं तब भी अगर बाई चांस तेल की गिर जाए हाथ पे तब जलता है, अरे यार फोल हो जाते हैं, लेकिन ये भाई साहब तो अद्भुत है, अद्भुत काम है ये, कॉन्फिडेंस की बात है। अडेप्टेबिलिटी तो आई गई, इनको गर्मी के पास रहते हैं लेकिन इनके बाकी फैमिली मेम्बर नहीं डाल पाते हाथ, इन दोनों के पास ही कला, हर कोई नहीं डाल सकता, साथ खड़े तो सब रहते हैं लेकिन हाथ ये डाल सकते हैं खोलते हुए तेल में, ये एक कला है इनकी। कला है, जैसे कि आप सभी बोल रहे हैं कला है इनकी, हम भी अब देखना चाहते हैं। एक बात तो इन्होंने हाथ डाल के दिखा दिया तेल में, लेकिन अब पकौड़ी निकालेंगे तब हम मानेंगे। और बहुत सुना है आपके बारे में और यहाँ पे हमने
अपने आप को आने से रोक नहीं सके हम अपने आप को यहाँ पर। इसे देखो पकौड़ी सीख गई है ना अब अच्छे से। कुछ खास मसाला है या कुछ? आप टेस्ट करके बताना कैसा है क्या है। हमें खिलाओगे आप? बिल्कुल। तो अब खा के देखेंगे कि कैसा बनाया है उन्होंने। देखो अब देखो देख देखो हाँ देखो ये हाथ से निकाल रहे हैं पकौड़ी। वाह यार पकौड़ी बन चुकी है, हम भी टेस्ट करके देखेंगे कि कैसी बनी है। हाँ अब देखिएगा हाथ डाल के निकालेंगे। अब हाथ डाल के निकालो, अब देखना कैसे हाथ डाल के आराम से निकालते हैं यहाँ पे। अगर हम हाथ डाले तो हमारे छाले हो जाएंगे हाथों में, लेकिन ये भाई साहब इनकी कला तो अद्भुत है। सभी लोग यहाँ पर आते हैं और हमने जब हमें पता लगा कि यहाँ पर हवा मेल के पास में एक दुकान है, वहाँ पर सुभाष चौक सर्किल पे दुकान है और वहाँ पर एक भाई साहब खोलते हुए तेल में हाथ डालकर पकौड़ी निकालते हैं और बेचते हैं, काफ़ी सालों से बेचते हुए आ रहे हैं और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर आकर टेस्ट भी करके देखा है, काफ़ी टेस्टी बनाते हैं। जानकारी मिली थी तो हम अपने आप को यहाँ पर आने से रोक नहीं पाए। क्या चाचा जी क्या लेने आए हो? चाचा जी से बात करते हैं एक बार। पकौड़ी लेने आए हो? ये भाई साहब तो हाथ में हाथ डाल के पकौड़ी निकालते हैं, क्या मानना है आपका? सही है, हाथ डाल के निकालेंगे। आप कर सकते हो ये कारनामा? नहीं हमारा काम तो सिलाई का है। अच्छा सिलाई का काम। कितने सालों से आ रहे हो आप यहाँ पे? बड़े खाली टाइम हो गए, हमारी पैदाइश यहीं की है। अच्छा पैदाइश यहीं। टेस्ट कैसा है, स्वादिष्ट है या नहीं है? बढ़िया बढ़िया। हाँ चलो बढ़िया, ताऊ जी आप खाओ पकौड़ी। तो देखा आपने कि किस तरह से ये पकौड़ी निकाल रहे हो और यहाँ पे लगातार कुछ देर में यहाँ पर अभी दोपहर है लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं पकौड़ी खाने के लिए। गर्मी का मौसम है, गर्मी आ चुकी है लेकिन और ये 20 रुपये की मांग रहे। देखिए आप कहाँ से आए हो सर? शास्त्री नगर से। हम बताती है चटनी कम डालना। हाँ चटनी कम डालना, कैसी लगती है? अरे यहाँ की पकौड़ी एक नंबर एक नंबर। हाँ तो हमने आपको दिखाया और अभी हम टेस्ट भी करेंगे। एक देना सर टेस्ट करके देखते कैसी इनकी पकौड़ी है और फिर पता लगेगा कि कैसी है। टेस्ट करके देखते अब कैसी है इनकी पकौड़ी। गरम गरम यार कंची कंची है पकौड़ी, तो टेस्टी है। मैं भी गरम गरम है खा रहा हूँ तो मुंह थोड़ा जल गया, लेकिन ये भाई साहब हाथ से निकाल रहे हैं, कला तो है इनकी। तो ऐसे ही आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको भी ऐसी जगह पर ले जाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।